महंगाई दुश्मन थी, डायन थी, दुश्मन है और दुश्मन रहेगी। इस महंगाई ने कई सरकारें हिलाई, इस महंगाई ने कईयों की सत्ता गिराई, मगर फिर भी महंगाई थी, है और शायद रहेगी। तो क्या इस महंगाई को रोक पाना सरकारी दायरे से बाहर है? आखिर ऐसा क्यों है कि जिस वक्त पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर की तरफ बढ़ रहा है, उसी वक्त एक घंटे के भीतर 25,000 नई गाड़ियों की बुकिंग भी हो रही है? अब ऐसे में सवाल है कि यह बढ़ती महंगाई किसकी जेब पर भारी पड़ रही है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की लड़ी की शुरुआत एक तस्वीर और कुछ फिगर्स के साथ, डेटा के साथ। तस्वीर भी जरूरी है और डेटा भी, साथ ही यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों है। तो सबसे पहले देखिए यह तस्वीर, यह पोस्टर आपको याद होगा। सरकार तब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही थी, उसने पोस्टर रिलीज किया था, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या उसके बाद जनता पर पेट्रोल और डीजल की मार ना पड़े, इस बात को इंश्योर किया गया है? आइए अब उसके समर्थन में या उसका सच दिखाते हुए कुछ आंकड़े देखते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2014 में, तब इस कैंपेन के बाद जब सरकार में पहुंची भारतीय जनता पार्टी, उस समय की तस्वीर क्या थी, और आज जब सरकार अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किए हुए है, उस समय हालात क्या हैं? मई 2014 पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 55 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर, क्रूड ऑयल की प्राइस 105 रुपए 71 डॉलर प्रति बैरल। ये दिल्ली की कीमतें, दिल्ली में उस समय क्या कीमतें लागू थी ये बता रहा हूं मैं आपको। नवंबर 2021, आज जहां हम हैं, 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर ये दिल्ली की कीमत, 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर ये डीजल बिक रहा है दिल्ली में, और आज क्रूड ऑयल की प्राइस क्या है, $85 प्रति बैरल। तो पहले के मुकाबले क्रूड ऑयल की प्राइसेस जहां बहुत कम है, तब इतनी ज्यादा कीमतों का मतलब क्या है, क्यों है इतनी ज्यादा कीमतें? और तब जब यह कहा गया था कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, तो इस समय क्या जनता पर मार नहीं पड़ रही है? और अगर यह मार पड़ रही है तो उन्हीं लोगों को जब तब इसको मार के तौर पर देख रहे थे, आज इस मार को लेकर क्या उनकी संवेदना समझ में आती है? जब उसी पार्टी की एक जगह जहां सरकार है, वहां एक मंत्री कहते हैं कि अब तो आपको महंगाई को स्वीकारना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।